नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोल्सकाई में आपका स्वागत है। गणगौर प्रेम एवं पारिवारिक सौहार्द का एक पावन पर्व है जिसे कि हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। गणगौर बना हुआ है दो शब्दों के मिलने से, गण और गौर। इसमें गण शब्द से आशय भगवान शंकर जी से है और गौर शब्द से आशय माँ पार्वती से है। गणगौर राजस्थान का मुख्य पर्व है और वहाँ इसकी काफी मान्यता है। इसे राजस्थान में आस्था के साथ मनाया जाता है। इस दिन गणगौर की पूजा की जाती है। लड़के एवं महिलाएं शंकर जी एवं पार्वती जी की पूजा करती हैं। गणगौर पर्व से भगवान शंकर और माता पार्वती की कहानी जुड़ी हुई है, इसलिए इस पर्व को हिंदू धर्म में काफी माना जाता है। बहुतों के मन में सवाल जरूर आता है कि आखिर में गणगौर क्यों मनाया जाता है। गणगौर पर्व के पीछे मान्यता है कि इस दिन कुंवारी लड़कियां गणगौर की पूजा करती हैं और उन्हें मनपसंद वर की प्राप्ति होती है, और शादीशुदा महिलाएं यदि गणगौर पूजा करती हैं और व्रत रखती हैं तो उन्हें पति प्रेम मिलता है और पति की आयु लंबी होती है। राजस्थान में ये पर्व 16 दिनों तक लगातार मनाया जाता है। राजस्थान में कहावत है, तीज तिवारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। अर्थ है कि सावन की से त्योहारों का आगमन शुरू हो जाता है और गणगौर के विसर्जन के साथ ही त्योहारों पर 4 महीने का विराम लग जाता है।